सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो आपको रियल लाइफ ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो रियाज, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके गाइज, तो देखो अभी तक हमने ये सीखा कि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। इससे क्या है ना, मार्केट में आप जज तो कर लोगे, बट हमें चार्ट पैटर्न्स भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। आप सिंगल कैंडल से कई बार जजमेंट में गलत हो सकते हो, इस वजह से चार्ट पैटर्न्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। चार्ट पैटर्न्स हम कौन से सीखने वाले हैं आज, हमारे मेनली चार्ट पैटर्न्स जो बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज होते हैं, जो आपको एक अच्छा डायरेक्शन देंगे और अच्छा लंबा प्रॉफिट देते हैं, हम वो चार्ट पैटर्न्स ज़्यादा यहाँ पे सीखेंगे। पहला पैटर्न अपना ये होगा पोल एंड फ्लैग पैटर्न। दूसरा हम सीखेंगे वो होगा ट्रायंगल पैटर्न्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा मार्केट में चलते हैं, आप इनमें आपका जजमेंट थोड़ा गलत कम होगा। तीसरा हम सीखेंगे ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है चार्ट पैटर्न आपके काम ना आए, लास्ट का जो टॉपिक है ट्रैप पैटर्न आपको ज़्यादा काम में आएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ट्रैप ट्रेडिंग रिसेंट में 2023 में बहुत ज़्यादा हुई है मार्केट में, जैसे ही आपको लगेगा ब्रेकआउट हो रहा है आप फिर फंसोगे, तो ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी यहाँ पे पहले पोल एंड फ्लैग समझते हैं, पोल एंड फ्लैग क्या होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पोल एंड फ्लैग सिंपल नाम पे चले जाते हैं अपन। पोल एंड फ्लैग मतलब मार्केट में कोई एक बड़ा ट्रेंड आया है, उसके बाद मार्केट एक फ्लैग पैटर्न में यहाँ पे पॉज में फंस गया है। ये अपसाइड से और डाउन साइड दोनों तरफ हो सकता है। जैसे अगर अभी एग्जाम्पल के लिए हम देखें यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश साइड में बना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम चीज डाउन साइड में भी बन सकती है आराम से। इसमें इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि ये बुलिश ही बनता है। इस वक्त एक बहुत ही ये रहता है प्रॉब्लम कि ये जो फ्लैग है ये कितना बड़ा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ये मार्केट ऊपर आई, फ्लैग सिर्फ एक ही दो कैंडल है और मार्केट ने सीधे यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, ये भी एक पोल एंड फ्लैग है। तो आपको जज सिर्फ मार्केट को इतना करना है कि मार्केट ने पॉज लिया एंड कंटिन्यू किया, दैट इज ऑल्सो अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट होता है वो बेसिकली पोल का साइज होता है, कि जैसे मार्केट ने जिस जगह से भी पिकअप पकड़ा है और फिर पॉज लिया है, उसका जो अगला पिकअप जो सी अपनी लाइन होती है ना ए बी सी की, वो सी भी ए के इक्वली होता है, जरा सा कम होगा बट ऑलमोस्ट इक्वल होगा। जैसे अगर ए में आपने 1000 पॉइंट का मूव किया, आपका 300 पॉइंट का पॉज है, तो आप समझो अगले 800 पॉइंट भी आने वाले हैं। तो सिमिलर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे ये एक सबसे रिसेंट एग्जांपल है, वन डे का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। ये पॉज के बाद से मार्केट ने एक पोल बनाया है 1600 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट, उसके बाद मार्केट ने एक पॉज लिया, ये रहा। इस पॉज को अगर आप एक घंटे के चार्ट में देखोगे तो ये आपको और बड़ा दिखेगा कि अरे मार्केट तो बहुत यहाँ पे नीचे की तरफ रह गई। ये एक ट्रायंगल का एग्जांपल है, मैं इसको अभी आगे समझाऊंगा। उसके बाद आप देखोगे कि इसका टारगेट कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका टारगेट जैसे 1600 ऊपर गई है ना, इसको पॉज के बाद लगभग 1500 पॉइंट या 1400 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। तो अब आप इसका अगला एग्जाम्पल देखो कि ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और इसने इसके बाद कितना मूव दिया, ये रहा 1300 पॉइंट का मूव है अगला, मतलब सी वर्जन। तो आप कभी भी जैसे आपने कोई ट्रेड ले ली ब्रेकआउट पे और आप बिल्कुल ये सोच लो कि चलो मैं तो 1600 पॉइंट का टारगेट लगाऊंगा, उसके हिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि ए बी सी में जो सी होता है वो ए से जरा सा छोटा होता है। अब हम जरा को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जरा 1% है कि 1.5% है, बट थोड़ा बहुत, जैसे 1600 में आपको 1300 पॉइंट मिल गए, तो 1600 में 1300 पॉइंट ऑलमोस्ट आप 80% गैदर कर गए हो, तो ये यहाँ पे टारगेट पैटर्न हो जाते हैं। इस पैटर्न को ट्रेड करने को हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, क्योंकि मान लो जस्ट लाइक कि आपने कोई ब्रेकआउट ट्रेड किया, आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपने ब्रेकआउट को क्लोज कर दिया, आपने ट्रेड कैंसिल कर दी, अब आपको नेक्स्ट ट्रेड कैसे मिलेगी, वो पॉज के बाद ही मिलेगी, क्योंकि इस ट्रेड के बाद जैसे ये रेड कैंडल आई होगी ना, तो लोगों ने ट्रेड को क्लोज कर दिया होगा। ये जैसे ही ये ब्रेकआउट मार्केट में आया, मार्केट में ट्रेड हुई, इस रेड कैंडल में पब्लिक एग्जिट, ये एग्जिट हो चुके हैं यहाँ पे, अब हम अगली ट्रेड कैसे लेंगे। तो अगली ट्रेड हमेशा जब यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा उसके ब्रेकआउट पे ली जाएगी। अब आपको इसका टारगेट डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि पिछली का टारगेट तो हमारा 1600 पॉइंट था, हमने 1600 कमाए, अगली का टारगेट क्या। तो जब आप इस जगह पे ट्रेड लेते हो तो अगली का टारगेट आपको बस उस पोल के साइज से थोड़ा सा नीचे रखना है। 1600 पॉइंट आपने पोल में लिए, फ्लैग के बाद आप अगला वहाँ पे ले लो, 1300 पॉइंट 1400 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट मिले, आप ये ट्रेड यहाँ पे आराम से क्लोज कर सकते हैं, सिंपल। इसके बाद जब हम प्राइस एक्शन पैटर्न समझेंगे अगले क्लास में किसी में भी, उसमें हम प्राइस एक्शन में ये देखेंगे कि इन ट्रेड्स को क्लोजिंग कैसे करते हैं। एंट्री आसान होती है, एग्जिट सबसे बहुत ही डेंजरस चीज़ें होती हैं। चार्ट पैटर्न्स में हम एंट्री सीख रहे हैं, प्राइस एक्शन में हम एग्जिट सीखेंगे।
तो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपको एंट्री जो यहाँ पर बताई जा रही है कि आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से एंट्री ले रहे हो, बट एग्जिट आप प्राइस एक्शन को देखकर लोगे। सो आने वाली वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर लीजिए, वरना आने वाली वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। करेक्ट। हम सेम इसका एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो भी एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न था। यहाँ पे इस जगह पे जब मार्केट ने साइडवेज मार्केट के बाद एक पोल बनाया था, अब थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है ना। पोल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारी की सारी ग्रीन कैंडल होंगी या सारी की सारी रेड कैंडल होंगी। पोल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग। एग्रेसिव बाइंग मतलब कि मार्केट अपने जिस प्लेस से उठी, जैसे इस जगह से मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, वो ऊपर को ही जा रही है। तो मतलब मार्केट ने लगभग 39,300 से इस जगह पे 41,300 तक का एक मूव, 2000 पॉइंट का एक मूव कवर किया। अब यहां पे उसने देखो पॉज बनाया है। ये पोल एंड फ्लैग में जरूरी नहीं है कि मार्केट ऐसा बनाए, क्योंकि पोल एंड फ्लैग सीधा भी हो सकता है। ये भी चीजें क्या होता है कि हमने चार्ट पैटर्न सीखे, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, इनमें ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। बुक की लैंग्वेज और एक्चुअल चार्ट देखने में फर्क होता है। एक्चुअल चार्ट में आपको जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वो सिमेट्रिक ही दिखे, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो एक बफर देके चलना चाहिए मार्केट को, 100-200 पॉइंट का, कि अरे ये एक सपोर्ट है तो उसको 200 पॉइंट नीचे रहो, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम है। आपको यहाँ पे ये जजमेंट नहीं रखनी चाहिए कि बुक में तो यार मैंने ऐसे सीखा था, ये ऐसा पैटर्न होगा। इसलिए कभी भी बुक और ओरिजिनल मार्केट अलग अलग होती है। बुक का पढ़ा हुआ कभी मार्केट में नहीं चलेगा, लेकिन जिसने मार्केट से प्रैक्टिस की है वो मार्केट में टिका रहेगा। हम यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ पे मार्केट में कितना मूव आया और हम कितना जज कर सकते थे। इस जगह से मार्केट ने मूव अपना स्टार्ट किया। मार्केट में ये जो हमारा मूव आया ये ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट्स का है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में एक फ्लैग बना, वो भी एक बिल्कुल एक कंसोलिडेशन मूव था। यहाँ से आप देखोगे जब ये ब्रेकआउट हुआ इस जगह से, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट दिए। तो यहाँ पे ए बी सी उससे भी बड़ा है, पर आपने कहाँ पे बुक कर लिया होगा, लगभग 2000 पॉइंट्स। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे नहीं लिखा कि बिल्कुल टॉप पे एग्जिट करना है, ये टॉप बिल्कुल डाउन। ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि आप बॉटम और टॉप को पकड़ लें। करेक्ट। मतलब मुझे नहीं लगता कि 80% ट्रेडर्स भी बॉटम और टॉप को पकड़ पाते होंगे। आप बस इसको जज कर सकते हो कि अगर मेरे पास ये जो लाइन है, जो मेरा पोल का साइज है, वो 2200 पॉइंट है ना, आप 2200 के नीचे 1800 या 1900 पे क्लोज कर दो अपने। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं यार मैंने बिल्कुल ना नीचे ही खरीदना चाहिए था, जहां से शुरू हुआ बस वहीं पे मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, और जहां पे बिल्कुल टॉप पे जहां से गिरना शुरू हुआ वहां पे मेरी एग्जिट हो जाती। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम कर रहे हो। करेक्ट। पर आप पैसा बना रहे हो यहाँ पे, मतलब आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आपको यहाँ पे भगवान बनना है। इस मार्केट में आप ये नहीं बन सकते, और परफेक्ट चीज कुछ होती नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिस्क समथिंग टू गेट समथिंग। राइट। आपने वन रिस्क लिया है, कई लोग दो पे खुश है, आप तीन पे खुश हो, कोई दस पे खुश है, पर रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे जैसे आपने मान लो यहाँ पे इसका लो का रिस्क लिया, अब इसका लो कितना होगा, ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का लो है। अब 400 पॉइंट का लो है, 1:2 का मतलब 800 पॉइंट होते हैं। तो कई लोग इस 2000 में से 800 पॉइंट में खुश हो गए, कई लोग 1600 पे जाएंगे। आप 1600 पे खुश हो, 1:3 और 4 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। अगर आपने ऐसे पैटर्न पकड़ लिए तो आप समझो आपके 2 महीने का काम हो गया, 2 महीने का प्रॉफिट अंदर है। चलिए, तो फ्लैग पैटर्न बहुत ही सिंपल है, इसको मैं बहुत ड्रैग नहीं करूंगा, मैं आपको और 2-4 फ्लैग पैटर्न सिखाऊं कोई सेंस नहीं बनता। अगला जो पैटर्न है ना वो ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उसके बाद भी ट्रायंगल की जो विड्थ है उतना बड़ा मूव आता है। मैं सिर्फ वही यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ जिनमें आपको मूव बड़ा मिले। मैं आपको 100-200 पॉइंट की चीज़ सिखा के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप इंट्राडे में ऊपर नीचे पकड़ते रहते हो। मैं चाहता हूँ कि मार्केट में अगर आप ट्रेड पकड़ो ना तो आपके लगभग 2-3 महीने की ट्रेड शांत हो जाए। मैं आपको साइलेंट ट्रेडर बनना चाह रहा हूँ। आप देखो इंट्राडे में फंसोगे, आप डेली ट्रेड मारोगे, लेकिन अगर आप ऐसी ट्रेड फंसा ले गए तो आप 3 महीने शांत रहोगे, आपका माइंड शांत रहेगा, आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। ये हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, अब ट्रायंगल में भी मोस्टली ट्रायंगल लोगों को क्या लगता है कि ट्रायंगल का मतलब होता है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट जरूरी बिल्कुल नहीं है कि मार्केट ऐसा ही ट्रायंगल बनाएगा। मार्केट में कई बार मूव ऐसे आ सकते हैं, ऐसा भी मूव आएगा, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट बुक जैसा ट्रायंगल बने, ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपको ट्रायंगल ढूंढना नेकेड आइज से बहुत टफ काम है, बट आप इसको जैसे कि मुझे आराम से यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है इस जगह पे, मार्केट ने यहाँ से नीचे से, इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। पर आप इसे सिमेट्रिकल भी ले सकते हो, ऊपर से गिरी रहे। हाँ, ये जैसे अब मुझे कई टाइप के ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे,
पर ये क्या होगा कि मुझे बुक जैसा ट्रायंगल चाहिए, नहीं, बुक जैसा ट्रायंगल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इस जगह पे आप एग्जांपल में देखोगे कि मैं यहाँ पे टारगेट आपका एंट्री और कितना टारगेट रख सकते हो वो सीखते हैं। ये एक अच्छा एग्जांपल है दोनों टाइप के ट्रायंगल का, कैसा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल, इन दोनों को हम अलग कर देते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मार्केट ने ऐसा मूव बनाया, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें मार्केट चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, यहां से रेजिस्टेंस मिलता है ऊपर की तरफ से, ये गया ऊपर, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, धीरे धीरे जाके उसके मूव छोटे होते जाते हैं। मतलब होता है ना कि बॉम्ब फटने के पहले बिल्कुल ऐसा रहता है कि शेर ने पीछे कदम खींचे, तो पहले वो बड़े बड़े कदम, तूफान से पहले की शांति, सिंपल। तो असेंडिंग में ऐसा होता है कि इसका मूव ज्यादा तेज होता है। तो यहाँ पर बस एक और चीज लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको कभी प्रॉब्लम आए इसे कैच करने में, तो कैंडल की जगह आप लाइन चार्ट ले लो एक मिनट के लिए, आपको इजीली दिख जाएगा। ये हम गए लाइन चार्ट पे, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, मार्केट ऊपर की तरफ जाके धीरे 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 बिल्कुल शांत हो जाएगा, और शांत होने के बाद जो फटेगा उसका जो साइज होता है वो हमेशा जो असेंडिंग ट्रायंगल का आपका जो विड्थ होगा उसके बराबर होता है। अभी यहाँ पर कई सारे नए लोग होंगे तो बस वो कंफ्यूज ना हो, देखो लाइन और कैंडल्स में फर्क क्या होता है। लाइन में सिर्फ क्लोजिंग के हिसाब से लाइन बनती है कि मार्केट कहाँ पर क्लोज हुई है, तो बस ये क्लोज को कनेक्ट करता जा रहा है, फ्लक्चुएशन हट जाती है। हाँ, और कैंडल्स में आपको ओपन, क्लोज, लो, हाई, चार चीजें मिल रही हैं। तो कई सारे लोग कैंडल्स को प्रेफर करते हैं, कई सारे लोग सिंपली लाइन को प्रेफर करते हैं। जो जिनको बिल्कुल चार्ट क्लीन चाहिए वो लोग लाइन अभी भी यूज कर रहे हैं। लाइन पहले लाइन ही चलती थी, फिर ये जापानीज कैंडलस्टिक आ गई, हम उसको यूज करने लगे रिसेंट के 15-20 सालों से। पर लाइन में ये होता है कि जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस इसलिए मैटर करता है, मान लो आज मार्केट 43,500 पे क्लोज हुई थी, कल उसने पूरा ऐसे हजार हजार पॉइंट के मूव देने के बाद भी 43,500 पे क्लोज हुई, तो जो लाइन चार्ट वाला होगा ना वो ये जज कर लेगा कि मार्केट में कोई मूव नहीं आया, पर एक्चुअली मार्केट इंट्राडे वालों के लिए मूव हुई थी, उसके लिए जजमेंट क्या है, मार्केट शांत थी। तो ये दो अलग डिफरेंट लोग हैं, जिनको थोड़ा क्लीन यूज करना है वो लाइन पे जाते हैं, जिनको फ्लक्चुएशंस भी ट्रेड करना है, स्कैल्पर्स ये सब, वो कैंडलस्टिक पे यूज कर सकते हैं। अब असेंडिंग ट्रायंगल में जब मार्केट ऊपर की तरफ यहां गई, ठीक है, आपके पास ये एक पैटर्न है, हमें सिर्फ इतना ट्रेड करना है, ये जहां पे मार्केट में आप ये ब्रेकआउट हो या ये ब्रेकआउट हो, दोनों साइड में आपका जो टारगेट होगा वो उसकी विड्थ होगी, विड्थ मतलब ये एरिया मिनिमम टारगेट। तो यहां पे हम देखते हैं क्या हमने उस चीज को पाया है। मैं इसको कैंडलस्टिक में चेंज कर देता हूं, जिससे फिर से हम यूज करेंगे। ये रहा देखो असेंडिंग ट्रायंगल का अपसाइड, ये रहा डाउनसाइड। तो यहां पे आप देखोगे जो ट्रायंगल की हाइट है, ट्रायंगल मतलब ये पूरा एरिया यहां से और ये, इसकी जो हाइट है वो जब हम इसे एज एन असेंडिंग ट्रायंगल ही कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी हाइट तकरीबन आपको 1600 पॉइंट की हमारी हाइट है। तो अब जब भी इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, अब ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है, जैसे ये बना ट्रायंगल यहां पे इस जगह पे, तो आप सिंपली समझ लो कि ये ऐसे भी आ सकता था और ये अभी इस वक्त इधर गया है, बट हम दोनों कंसीडर करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ गया है तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें इक्वल टारगेट होता है, जैसे पोल एंड फ्लैग में क्या होता है 80% टारगेट होता है सी राउंड में, पर यहाँ पे 1600 पॉइंट इक्वल होंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे टारगेट लूंगा, ये डेली कैंडल है, तो मेरा ऊपर की तरफ भी टारगेट 1600 पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, वही काफी टाइम रुक गई है, इसका जो मूव होता है वो शार्प होता है, शार्प मूव। पोल एंड फ्लैग में आप हो सकता है धीरे 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 जाओ, इसमें उसने बिल्कुल एकदम शांत हो गई, बिल्कुल लास्ट में जाके छोटे छोटे कैंडल्स बने। तो अब जो उसका ब्रेकआउट होता है ना वो इंट्राडे में भी फास्ट होता है एंड इवन डेली कैंडल्स में भी फास्ट होता है। आपको लगातार 3-4 ग्रीन देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखोगे लगातार 4 ग्रीन कैंडल है, तो अच्छी ट्रेड है, आपको छोटे एक एसएल पे अच्छी ट्रेड मिल जाती है। इसका एसएल भी छोटा होता है वो मैं बताता हूँ, हम पहले इसका काउंट देख लेते हैं। ये रहा ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकआउट से आपको एक बहुत अच्छा 2200 पॉइंट का मूव मिला, हम 1600 पे बुक कर लेते हैं क्योंकि हमने तो जस्ट इसी को जज करना है कि हमारा ट्रायंगल था 1600 पे 1600 बुक। अब इसमें एसएल कितना है ये जज करना है, एसएल ये आपका ट्रायंगल बना मान लो इस जगह पे ऐसे, तो जो इस एरिया का सबसे पास वाला स्विंग होगा वो हमारा एसएल होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा एसएल है, ये हमारा ब्रेकआउट एरिया है, हम इन दोनों पे लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि कितना गैप है इन दोनों के बीच में, आपका यहीं से रिस्क रिवॉर्ड तय होता है। देखिए लगभग 600 पॉइंट है, 600 पॉइंट है अगर आप डेली में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप और छोटे में करते तो आपको और छोटा दिखता। अब 600 पॉइंट है, आपको यहाँ पे मिले हैं 2200,
6 इंटू लगभग ये हो गए 1:3.5 पर हमें बुकिंग कहाँ पे करनी 1600 पे, तो ऑलमोस्ट हम 1:2 के आसपास बुक कर लेते हैं इसको. तो इसने हमारा दोनों तरीके से टारगेट पूरा किया. अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे 600-700 पॉइंट का एसएल हम कैसे लेंगे. मैं आपको बस एक ही चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे, ये एसएल और जो भी बातें अभी हम कर रहे हैं ना, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा आपको, उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे. कोई इंसान सोचेगा 600 पॉइंट में तो कैपिटल ही खत्म है, तो बाहर हूँ मार्केट से. 600 पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इस तरीके से जो आप समझ रहे हो, क्योंकि हमने कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताई है. करेक्ट. विल टेल यू द स्ट्रैटेजीज कि आपका लॉस पहले ही प्रोटेक्टेड रहेगा. हम जब स्ट्रैटेजीज देखेंगे ना, उसमें ये सारी चीजें उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है. आप जब इनमें स्ट्रेटजीज लगाओगे, उसमें आपका ये जो 600 पॉइंट है ना, इसके बीच में भी जो लोएस्ट लॉस हो सकता है उसको हम कंसीडर करेंगे. right. जितना हाईएस्ट प्रॉफिट मिल जाए वो हम कंसीडर करेंगे. इसी वजह से बेस बनाया जा रहा है अभी. अब मैं एक और चीज कंटिन्यू कर रहा हूँ. ये सेम चीज अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, इसीलिए पॉइंट बहुत बड़े आ रहे हैं. आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पर देखोगे, आपको देखेगा यार 60 पॉइंट का मेरा एसएल है और मेरे को 200 पॉइंट 250 पॉइंट मिल रहे हैं. तो 60 और 250 तो समझ आ रहा है लोगों को, बट यहाँ पे 600 और 250 नहीं. कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है. हाँ. कि हम इसको कैसे करें, क्या जाए. ये क्या होता है, ये पैटर्न है, चार्ट पैटर्न चार्ट के ऊपर दिखता है. चार्ट एक घंटे का नहीं होता खाली, चार्ट वन डे का नहीं होता, चार्ट 5 मिनट का भी होता है, 1 मिनट का भी होता है. ये सेम पैटर्न आपको 5 मिनट में भी दिखेगा. और सेम आपको बस लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि आपको टारगेट कितना रखना है, एसएल कितना रखना है. एसएल आपको स्विंग के नीचे रखना है, टारगेट आपको उसकी पूरी विड्थ रखनी है. अब चाहे आपको 5 मिनट में देखे, 15 मिनट में देखे, 20 मिनट में देखे, 1 घंटे में देखे, 1 दिन में देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता. चार्ट पैटर्न सारे एक जैसे होते हैं. राइट. ठीक है, ट्रायंगल का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रैप समझना है. ये एग्जांपल मैं ट्रैप का ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रैप में हम थोड़ा साइकोलॉजी ऑफ पीपल समझेंगे कि लोग ट्रेड कैसे करते हैं. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये ट्रायंगल का ही है एक्चुअली में. तो यहाँ पे आपको साफ साफ एक ये दिख रहा है असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ये. ठीक है, आप यहाँ पे मुझे बताओ, इसने ब्रेकआउट ऊपर को कर दिया, इसके हिसाब से हमारा टारगेट ये होना चाहिए. ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स का जो सबसे रिसेंट का जो स्विंग होता है वो एसएल होता है. ये रहा उसका एसएल. यहाँ पे हम सेम ट्रेड डाल सकते हैं जो हमने सिमेट्रिक ट्रायंगल में वहां पे भी डाली. इस जगह पे ट्रैप कैसे क्रिएट हुआ, अगर हम इसको टाइम फ्रेम करो 15 में लेके चलते हैं, हम यहाँ पे समझ आएगा. हम डेट ले लेते हैं 23 जनवरी. आज ये मैंने ट्रेड किया था, बहुत अच्छी ट्रेड थी. दो बार मिली ये ट्रेड ऐसे. ये रहा, और बड़ा कर लो, कैंडल देखनी चाहिए. 19 पे आ गया, 23 जनवरी. ठीक है, बन गया बस. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है. अपर लाइन इंटैक्ट है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है आराम से. मार्केट ने धीरे धीरे ना ट्रायंगल बनाना स्टार्ट किया, ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट, वही जो हमने इसके पहले पढ़ा. राइट. यहाँ पे अब इसको फटना चाहिए, और फटने के बाद टारगेट क्या होना चाहिए, ये. राइट. ठीक है, एसएल कहाँ पे होगा लोगों का, इस जगह पे. तो ये एक एसएल कितना है, 42600 पे ब्रेकआउट है, और लगभग 42500 पॉइंट का एसएल है. ये हमारा ब्रेकआउट एरिया है 42700, और जो हमारा एसएल एरिया है वो है 42450-60. अब आप यहाँ पे देखोगे, अभी जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा था कि मार्केट में हमें 600 पॉइंट का एसएल मिला, इस जगह पे हमें कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट सिर्फ 250 पॉइंट है. अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें 1:2 के हिसाब से लगभग 500 पॉइंट चाहिए ऊपर की तरफ. यहाँ पे ट्रेड डालने के बाद ट्रैप ट्रेडिंग है, सिंपल. मैं यहाँ पे अपना एसएल कहाँ लगा के बैठ रहा हूँ, 450 पे. मैंने ट्रेड डाली, मार्केट ऊपर ही है, मैं होल्ड करूंगा, अभी भी ऊपर है, होल्ड करूंगा. मार्केट ये जो नेक्स्ट डे था ना 23 से 24 वाला डे, इसमें ब्रेकआउट कंटिन्यूशन नहीं हुआ. मतलब मार्केट ने जहां पे ब्रेकआउट हुआ उसके ऊपर रोक तो लिया, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया था 42700, रोका पर नीचे नहीं आई. जितनों भी ट्रेड ली होगी उन्होंने ट्रेड काटी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ट्रेड होल्ड कर ली, क्योंकि मार्केट अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर है. नेक्स्ट डे मार्केट फिर गैप अप खुली, उनके अंदर फिर से ये साइकोलॉजी है सिंपल, उनके अंदर फिर से वो एक होप आ गई कि नहीं यार मेरा ब्रेकआउट सही था, मार्केट गैप अप खुल रही है वापस से. मार्केट फिर से गैप अप खुलने के बाद नीचे आई, उन्होंने इस वक्त भी ट्रेड नहीं काटी होगी जब इसने नीचे को ऐसे ब्रेक किया. राइट. क्योंकि होल्ड करने की होप बढ़ती जा रही है. मार्केट वापस से कहाँ पे आ गई, जहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया था. अब बस अगर मुझे ये ट्रैप ट्रेडिंग करनी है, मुझे उन लोगों के एसएल का पता लगाना है, उन्होंने एसएल कहाँ लगा रखा है. मेरे हिसाब से ये रहा एसएल, क्योंकि वो स्विंग के नीचे लगाते हैं हमेशा. स्विंग के नीचे एसएल कहाँ पे है, 42460 पे.
अब इस जगह से ये क्या हुआ, पहले ये ऊपर को ब्रेक हुआ था, अब ये नीचे को ब्रेक हुआ है, टारगेट कितना होगा, वापस से विड ऑफ द ट्रायंगल, ये था तो एक ट्रायंगल ही ना, बस ट्रैप किया गया। हो सकता है यहाँ पे आपके 150 पॉइंट 100 पॉइंट चले गए होंगे एसएल में, क्योंकि आपने वो जो 250 पॉइंट का एक एसएल लिया था ना, वो इस जगह पे आपके एसएल चला गया, आपने री एंट्री नहीं करी नीचे। हाँ, आपने री एंट्री नहीं करी, पब्लिक को क्या लगता है कि हम यहाँ पे फेल हो गए, पर फेल होना ही सबसे बड़े मूव का एक वो होता है, आप ट्रैप हुए हो। क्या होता है, हम अगर देखें कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग क्या चलती है, सबसे ज़्यादा रेंज ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं, हम हर जगह कहीं ना कहीं से ना ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसे भी देखो 80-90% ब्रेकआउट ही ट्रेड। तो अगर वो ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो 80-90% जनता हार जाती है, 80-90% जनता का अगर ऐसा लगेगा ना, तो बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग का जो टारगेट होगा ना, वो नॉर्मली से बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा नॉर्मल टारगेट क्या होना चाहिए था, 500 पॉइंट। आप यहां पे देखोगे मार्केट इस जगह से गिरी, मार्केट ने विद इन सेम डे 41,600 लगा दिए सेम जगह से, तो मतलब क्या हो गया, ये हमें मिल गए 400-400-900 पॉइंट एक ही दिन में मिल गए। हम यहां पे क्या करते, यहां पे अभी बैठे रह सकते थे, हो सकता था 500-600 पॉइंट के लिए, लेकिन ट्रैप में जो पैनिक क्रिएट हुआ एसएल कटने की वजह से, उसकी वजह से आपको विद इन वन डे 900 पॉइंट मिल गए, आपका 1:2, 2.5 या 2.8 वैसे ही क्रिएट हो गया, और ये चीज़ कैरी आउट हुई, मार्केट आगे की तरफ आपको 600 की जगह कितने पॉइंट देके जा रही है, 2,500 पॉइंट। तो ट्रैप ट्रेडिंग में जो आपको ट्रेड मिलती है री एंट्री की, वो हमेशा एग्रेसिव ट्रेड होती है। अब यहाँ पर लोगों को दोबारा से आप पोल एंड फ्लैग समझा सकते हो, करेक्ट, मार्केट में 1, 2, 3 आपने यहाँ पे ट्रायंगल का एक ट्रैप ट्रेड लिया, आप यहाँ पे वापस से देखो आपको पोल एंड फ्लैग मिल गया है, आप कहीं भी कोई भी चीज यूज कर सकते हो। पोल एंड फ्लैग का फिर से टारगेट क्या होता है, ये पोल का साइज, आपको ये देखो पोल का साइज मिल गया, आपको बस हमेशा ये रखना है एक बफर लेके चलो कि अगर मेरे ट्रायंगल की वेट 600 पॉइंट है, आप 500 पॉइंट पे बुक कर लो, आपको टारगेट आराम से मिल जाएगा। आपको पोल एंड फ्लैग में लगभग 600 पॉइंट मिले, आप उसको भी 500 पॉइंट बुक करो, आपको टारगेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रैप को एक्सप्लेन करना सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप खुद समझो, खुद को लेके चलो कि मैंने अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए, मैंने ब्रेकडाउन के नीचे 100 रुपये का टारगेट रखा है, मैं ट्रेड काटता हूँ कि नहीं। अगर मैं ट्रेड काट रहा हूँ ना, तो इंडिया में 80% लोग ट्रेड काट रहे हैं, और जब वो काटेंगे ना, वो होता है पैनिक। ट्रेड काटना मतलब क्या, आपने बाई किया तो सेल मारना पड़ेगा, तभी तो ट्रेड कटेगी। तो अगर 80% लोग एक टाइम पे सेल मार रहे हैं, उसकी कैंडल का साइज क्या होना चाहिए, तो वो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड होती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये होता है कि अरे यार आज की ट्रेड खत्म, अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, जबकि आपको उससे बेहतर ट्रेड मिलने वाली है। ब्रेकआउट फेल एक ज्यादा बेहतर ट्रेड होती है, ब्रेकआउट फेल को कभी भी गलत नहीं लेना चाहिए, उस ट्रेड को लो। आप देखो हमारा काम है ट्रेडिंग करना, अगर हमें ट्रेड दिख रही है वो ट्रेड को लो। आप अभी नए हो प्रैक्टिस करने के लिए, एक लॉट दो लॉट से करो, एक लॉट दो लॉट में आप ऐसा लगाओ कि चलो आपके 2,000 रुपये चले गए, आपने 1,00,000 रुपये 2,00,000 रुपये डाले सीखने के लिए, तो आप अगर वो ट्रेड नहीं डालोगे ना, वो ट्रैप वाली भी ओरिजिनल, ये मैं चाहता हूँ कि आप ये ओरिजिनल ट्रेड भी डालो। मैं चाहता आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर सकता था कि मार्केट ऊपर गई, नहीं हम इसको बाई नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, हम एक साइकोलॉजिकल इंसान ऐसे ही, ह्यूमन ऐसे ही ट्रेड करता है, वो ट्रेड लेगा ये वाली, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेक हुआ है, वो ट्रेड लेगा। मैं चाहता हूँ आप ये ट्रेड लो, ये 200 पॉइंट दो उसको, लेकिन मैं अगली ट्रेड भी लूंगा, क्योंकि एसएल हिट हुआ है, मैं ट्रैप की ट्रेडिंग करूंगा, उसके ऊपर का स्विंग, ये जो स्विंग है इसको एसएल लगाऊंगा। यहाँ पे मेरे 100 पॉइंट का एसएल है और मेरे पास 900 पॉइंट है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, तभी ये चीज़ जाके सीखोगे। मैंने आपको चार्ट पैटर्न सिखाया, आपको ये ट्रायंगल पैटर्न सिखाया, पोल एंड फ्लैग सिखाया, पर ये तभी सिखा रहा हूँ ना कि आप ट्रेड लो। आप अगर इस वीडियो को देख के सिर्फ जाके बैठ जाओगे, सो जाओगे, कोई सेंस नहीं बनता। ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट है, right. हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको हाथ पकड़ के ट्रेडिंग नहीं सिखा सकते। ट्रेडिंग सबसे टफेस्ट जॉब है वर्ल्ड का, राइट। सो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपको थीटा गेनर्स का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो डू चेक आउट। एंड फाइनली, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सिंपली एक डीमैट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। Go and open your free demat account. I will see you in the next video, क्योंकि next video होने वाली है। Price action के ऊपर miss नहीं करना है, तो bell icon पे click कर देना। So, in the next video हम आपसे मिलते हैं। Till that time, you go self-made and जय हिंद।